हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सालों पहले पाली शहर के धौला चौतरा पर अपनी जनेऊ का त्याग कर पाली छोड़कर चले गए पालीवाल समाज के लोग आज रक्षाबंधन के दिन पाली आकर अपने पूर्वजों की याद में लाखोटिया तालाब में तर्पण कर धौला चौतरा पर पूजा अर्चना करते हैं। इस आयोजन को लेकर रविवार को भी देश भर से पालीवाल समाज के लोग पाली पहुंचे। इन लोगों ने धार्मिक अनुष्ठान के साथ लाखोटिया तालाब के घाट पर अपने पूर्वजों की याद में तर्पण कर पूजा अर्चना की। उसके बाद जिस जगह पर पालीवाल ब्राह्मण समाज ने जनेऊ का त्याग कर पाली को छोड़ दिया था वहां पर पूजा अर्चना की। इन लोगों ने यहां पर अपने पूर्वजों की याद में एक भवन में छात्रावास बनाने की भी घोषणा की है। इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। पालीवाल समाज के मुखियाओं का कहना है कि पाली उनकी आने वाली पीढ़ियों की यादों में रहे उसको लेकर यहाँ पर एक विशाल भवन तैयार करवा रहे हैं जिसमें पालीवाल समाज के इतिहास को प्रदर्शन के रूप में दर्शाया जाएगा। बोला बाबूलाल पालीवाल, जैसलमेर से आया हूँ। यहाँ पे हमारे रक्षाबंधन के दिन पुत्रों को याद किया जाता है, उनको तर्पण दिया जाता है। तर्पण के लिए हम सभी समाज इकट्ठा हुआ है और पुत्रों को उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण दे रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये कितने बार है? ये आज पांचवी दफे हो रहा है, चार दफे पहले हो चुका है, पांचवी दफे। हर साल हम रक्षाबंधन के दिन हमारे यहाँ से पाली से पलायन हुआ था पाली वालों का, इसलिए उनको पूर्वजों को जो यहाँ पे युद्ध में शहीद हुए थे उनको याद, उनकी आत्मा को शांति के लिए हम सूर्य भगवान के समक्ष सुबह सुबह तर्पण दे रहे हैं। पाली जिले से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।